पहला अध्याय। अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण ने उनके सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा उनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का पाठ कर दिव्य सिंह तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र देदीमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल्के अग्रभाग जो हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत की रक्त में कीचड़ से लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगमी एवं त्रिकाल वक्ता समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य अभुधारण्य पुष्करण्य के निवासी मुनि महेंद्र पर्वत और विंध्यागिरी के निवासी ऋषि धर्मनारण्य दंडकारण्य श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं पंपासर के निवासी ऋषि तथा अन्य बहुत से ही शुद्र हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहां से यथोचित स्नान और जप आदि करके उन्होंने भगवान वेणु माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहां उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भरद्वाज जी द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वह सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतकरण वाले मुनियों की कथा हो ही रही थी कि व्यास जी के शिष्य लो महर्षण नामक सूत जी वहां पहुंच गए। वह अत्यंत तेजस्वी परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वो यथा योग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वह सुख पूर्वक विराजमान हुए तब उस समय उन व्यास शिष्य लो महर्षण जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष ये प्रश्न किया। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, पूर्व काल में शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वराह संहिता सुनी थी। अब हम सब नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है। अतः महामुनि सूत जी, आज प्रातः काल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे यह प्रश्न पूछते हैं, ये चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन इसकी रक्षा करता है अथवा इसमें किसका लय होता है, महाभाग इस भूमि का प्रमाण क्या है तथा महादेव भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, ये हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, इसका अवसान अंत किस प्रकार होता है, युगों की गणना कैसी होती है, चतुर्थ युग का स्वरूप क्या है, इन चारों युगों में क्या अंतर होता है, कलयुग में लोगों की क्या क्या अवस्था होती है तथा देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, पावन पर्वत कौन से हैं और मनुष्य के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियाँ कौन कौन सी है, देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मुनि मुनिवर एवं विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है, महाभाग ये सारी बातें आप क्रमशः बताइए। सूत जी बोले, तपोधनो, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरम्भ करता हूँ। जो समस्त देवताओं को एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके छह अडंग द्वारा जानने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्यावान विमल बुद्धिता नित्य शांत विषय कामना शून्य और पाप रहे थे, उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा प्राशानंदन वेद व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूंगा। मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं
उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के साथ साथ जो जो मुनि यहाँ उपस्थित है वो सब लोग भी सावधान होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूँ। ये समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में ये जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में ही लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में विस्तार के साथ विवरण है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए ये श्लोक साधारणतः सभी पुराणों में कहा गया है। मुनि, इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा। ये श्लोक इस प्रकार है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मारवंतर वंशानुचरित, इन्हीं पांच लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश मानवंतर और वंशानुचरित, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। द्विजगण आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहां से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा के तत्वों का रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। द्विजगण, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद पर ब्रह्म के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्म नाम तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाश में और सबका कारण था। वह नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण और सदा ही दोष रही थे। मुमुक्ष पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा, अव्ययी, अविकारी है। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर पर ब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्मा से प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महातत्व प्रकट हुआ, सात्विक, राजस और तामस। भेद से महातत्व तीन प्रकार का है। महातत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस राजस और भूतादि रूप तामस। इन तीनों भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महातत्व आवृत है, उसी प्रकार महातत्व से अहंकार भी व्याप्त है। तदानंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब से उस भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा की सृष्टि की, उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन मात्रा की सृष्टि की, उससे ज्योति में अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन मात्रा रूप वायु ने रूप तन मात्रा रूप वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन मात्रा की सृष्टि की, उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गन तन मात्रा की सृष्टि की, उससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गन तन मात्रा रूप पार्थिव त्वत से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी का गुण गंध उन आकाश आदि भूतों की तन मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं। इसलिए वह तन मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन मात्राएं अविशेष कही गई हैं, क्योंकि उनमें अमुक तन मात्रा आकाश की है और अमुक वायु की है। इसका ज्ञान कराने वाला कोई विशेष भेद या अंतर नहीं होता, किंतु इन तन मात्राओं से ही प्रकट हुए आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं।
इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है। भरद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली ये पंचभूतों और तन मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में ही कह दी है। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उनके अभिमानी 10 देवताओं को तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है। कुल को पवित्र करने वाले भरद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेन्द्रियाएं और 5 कर्मेन्द्रियाएं हैं। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों का तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। कान, नेत्र, जिह्वा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां कही गई है जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए है, तथा पायु, गुदा, उपस्थ लिंग, हाथ, पांव और वक्र इंद्रियाएं, ये कर्म इंद्रियाएं कहलाती है। विसर्ग, मल त्याग, आनंद, मैथुन जनित सुख, शिल्प, हाथ की कला, गमन और बोलना, यही क्रमशः उन कामेंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूतों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं। अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण है, इसी प्रकार जल में 4, पृथ्वी में 5 गुण है। ये पंचभूत अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त है, अतः परस्पर पुण्यता मिले बिना ये सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही संघात को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है, उन महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय ले सर्वथा एक रूपता को प्राप्त हो। प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की, वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। महाबुद्धि समस्त भूतों से प्रकट होकर जल पर स्थित हुआ। वो महान प्राकृत अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उनमें वह अव्यक्त स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा भगवान हिरण्यगर्भ का उपलब्ध गर्भ को ढकने वाली झिल्ली थी। अनन्य पर्वत जरायुज गर्भाशय में थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल में थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र, अग्रह ताराओं सहित समस्त लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यादि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्म का स्वरूप धारण कर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है, तब तक वे ही नरसिंह आदि रूप में प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप से ही उसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्म रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसके पालन की इच्छा से रमादि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं।